कभी आप अपने जन्म, अपनी पहचान के विषय में सोचते हैं करण? यदि सोचू भी तो मिलेगा क्या? अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? जानता तो नहीं, किंतु अनुमान लगा सकता हूं। मेरी माता अवश्य किसी आदरणीय परिवार की पुत्री होंगी, कदाचित कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा तट पर होगा। जब ही तो मेरे जन्म लेते ही मुझे सहजता से गंगा में बहा दिया, और मैं ये भी अनुमान लगा सकता हूं कि मेरी माता को अपने पुत्र से कहीं अधिक अपना यश प्रिय था। उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया और अपनी प्रतिष्ठा को संभाल के रख लिया, और अपनी माता को खोजने के लिए आपका हृदय भी नहीं मचला? जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो, उसे खोजकर मैं करूंगा क्या? उसे पाकर भी मैं क्या करूंगा वासुदेव? और संभवतः मेरे जन्म के उपरांत किसी आदरणीय कुल में किसी महाराजा, किसी दिग्विजयी से उनका विवाह भी हो गया हो, और अब वह ऐसे पुत्रों की माता हूं जिन्हें त्यागने की आवश्यकता ही ना पड़ी हो। परंतु हे कृष्ण, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैंने अपनी माता की ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता का नाम राधा है वासुदेव, और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूं, राधा। किंतु आप अचानक मेरे अतीत की समाधि की ओर क्यों निकल गए? मैं तो उधर कभी जाता ही नहीं। वर्तमान की बात कीजिए वासुदेव, वर्तमान की। आपने ठीक ही अनुमान लगाया अंगराज। आपकी माता एक बहुत आदरणीय परिवार की पुत्री हैं, इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो समाज की परिनिंदा से वे डर गईं। आज वे कई पुत्रों की माता हैं, परंतु उनके हृदय में एक सन्नाटा है राधे। उनका हृदय एक रिक्त स्थान है, एक रिक्त स्थान। वे दिन रात अपने उस पुत्र के विषय में सोचती रहती हैं जो कवच कुंडल पहने हुए जन्मा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं? क्या मेरा यह अनुमान भी ठीक है कि आप मेरी माता को जानते हैं? हे वासुदेव, क्या मेरी माता जीवित है? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? मुझसे मेरा परिचय करवाइए वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। हे दानवीर, हे महारथी, क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? सत्य का घाव अपमान के घाव से तो गहरा नहीं होता ना वासुदेव। आपकी माता आपके अतिरिक्त 5 और महारथियों की माता हैं, और वो 5 महारथी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा। 5 महारथी, 5। आप कहीं पांडवों की बात तो नहीं कर रहे? उनके अतिरिक्त ऐसे और कौन 5 योद्धा हैं कर्ण जिन्होंने पराजय का स्वाद न चखा हो? हाँ कुंती पुत्र, हाँ, मैं पांडवों की ही बात कर रहा हूं। मेरी बुआ कुंती आपकी माता है, और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। और मेरे पिता?
मेरे पिता कौन है वासुदेव? आपके यही इष्ट देव आपके पिता हैं कर्ण। मैं सूर्य पुत्र हूं? हाँ। मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं वासुदेव? मैं सूर्य पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधेय के नाम से जाना चाहता हूं। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। मैं तनिक सोचिए वासुदेव, मेरी पीड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए और इसका उपचार बताइए। हे देवकी नंदन, आप तो ये सब कुछ पहले से जानते रहे होंगे ना, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं वासुदेव? और आज मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैं तो पांडवों के लिए अपनी घृणा की पूंजी लिए जी रहा था और अपने को धनी समझ रहा था। आपने मुझे ये सब कुछ बताकर मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ दिया? मुझसे मेरी घृणा छीन कर मुझे निहत्था क्यों कर दिया? क्यों आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपने वाणों की दिशा अर्जुन की ओर कैसे कर पाऊंगा? हे मधुसूदन, आपने तो मुझे युद्ध के आरंभ से पहले ही हरा दिया। आपने ऐसा क्यों किया मधुसूदन, क्यों किया? हे मेरे प्रिय भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैं ये नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडु पुत्र अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध करे। आप बुआ कुंती के विवाह के पहले जन्म ले चुके थे, इसलिए नियमानुसार आप बुआ कुंती के पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप ज्येष्ठ पांडव हैं कर्ण, आप ज्येष्ठ पांडव हैं। मेरे साथ चलिए कर्ण, इंद्रप्रस्थ राज का मुकुट आपके सिर पर होगा, आपके अनुज आपका चरण स्पर्श करेंगे, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम आपके सिर पर छत्र की छाया रखेंगे, अर्जुन आपका सारथी होगा और स्वयं मैं नकुल और सहदेव के संग आपके रथ के पीछे चलेंगे। स्वयं मैं कर्ण। हे प्रिय पांडु पुत्र, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक ये सब किसी ने देखा क्यों नहीं, कि अब तक किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मेरे साथ चलिए, मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा, सारे संसार को। और इससे ऊपर ये कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आपको अपनी माता मिल जाएगी। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सब ठीक है, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। आपने उस ऋण के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं। मैं आपके लिए भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव, नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं कि पांडव तो आपकी कृपा के सुरक्षा छत्र के नीचे हैं। मैं क्या, युद्ध में तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं ये भी जानता हूं केशव कि कौरव सेना की पराजय निश्चित है, फिर भी मैं दुर्योधन ही के ध्वज तले युद्ध करूंगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने को भी तैयार है।
हे मधुसूदन, अब जब ये जान लेने के बाद कि अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसकी ओर उसके प्राण लेने वाले वाण तो नहीं भेज सकता ना, फिर भी मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन से युद्ध करूंगा। आप तो ये अच्छी तरह जानते थे ना कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्यागूंगा, फिर भी आपने मुझसे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। हे केशव, यदि आपने ऐसा ना किया होता तो अच्छा होता। तो अब आप मुझे एक वचन दीजिए कि मेरे वीरगति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुजों को यह नहीं बताएंगे। यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूं तो वो अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा, और राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। यदि उसने मुझे यह मुकुट दे दिया तो मैं अंगदेश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर यह मुकुट रख दूंगा, और यह उस मुकुट से बड़ा अन्याय होगा, बड़ा अन्याय। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। पश्चिम से सूरज उगे, दिन बन जाए रात, किंतु कभी ना मित्र से कर्ण करेगा घात, कर्ण करेगा घात।